खबर शुरुआत कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल की कोर्ट में आज पेशी होनी है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होगी। दोपहर लगभग 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी केजरीवाल की। 6 दिन की ईडी रिमांड जो है वो आज खत्म हो रही है। ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और 28 मार्च की कोर्ट ने ईडी को रिमांड दी थी। रिमांड आज खत्म हो रही है और इसके साथ ही लगभग 2 बजे का समय बताया जा रहा है जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और वहीं खबर जो सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से अलग की खबर है जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने साफ कह दिया है कि केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकते। ये किस तरफ इशारा है ये एक बड़ा सवाल है और आगे दिल्ली की सरकार जो है वो किस तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि आपको याद होगा शुरुआत में ही जब कोर्ट से बाहर निकले थे दिल्ली के सीएम केजरीवाल तो ईडी की हिरासत में जाते हुए उन्होंने कहा था कि मैं जेल के बाहर रहूं या फिर जेल के अंदर, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं यहीं से सरकार चलाऊंगा। आपको याद होगा 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद उनके सरकारी निवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो ऐसे में देखना ये होगा कि केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी और वहीं दिल्ली में केजरीवाल सरकार को लेकर किस तरह से सुबुगाहट है। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया सुनिए जरा। नमस्कार, कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही, इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सतीन जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे।